हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजे टुडे एजुकेशन। और आज का जो हमारा वीडियो है उत्तराखंड का करंट अफेयर मई 2019 का मैं लेके आया हूँ। आप हमारे साथ ब्लॉगर में भी जुड़ सकते हैं, ajetodaeducation.blogspot.com में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए काफ़ी बेहतरीन जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, जो इम्पोर्टेंट न्यू क्वेश्चंस हैं उत्तराखंड से संबंधित वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो आप जरूर ब्लॉगर जो हमारी साइट है उसमें जरूर विजिट करें। हम स्पेशली उन करंट अफेयरों को लेके आते हैं जो यूके ट्रिपल एससी के लिए और जो आपका यूके पीएससी एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए बात करते हैं। उत्तराखंड में फिल्म सिटी खुली है। ये फिल्म सिटी कहाँ खुली है? ये आपके डोईवाला में खुली हुई है। डोईवाला कहाँ पड़ता है आपका? डोईवाला पड़ता है आपका देहरादून में। देहरादून की स्थापना कब हुई थी? 1817 में। यानी देहरादून जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसकी स्थापना आपकी 1817 में हुई है। अगर आ जाता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर देहरादून में ही पड़ता है। इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया था। आप जानते हैं उत्तराखंड के जो आपके सीएम हैं वो हैं आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत, और त्रिवेंद्र सिंह रावत आपके 9वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। अगर आपके पर्सन में पूछेगा तो 8वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने शपथ ली थी आपकी 18 मार्च 2017 को, और जो आपका इलेक्शन हुआ था वो हुआ था 15 फरवरी 2017 को। ओके, ये आपके एक तरीके से कह सकते हैं इस समय पे आपका इलेक्शन हुआ था, और इस समय पे इन्होंने एक परेड ग्राउंड जगह पड़ती है देहरादून में जहां पर इन्होंने शपथ ग्रहण हासिल करी थी। अगर बीजेपी की बात की जाए, ये बीजेपी से संबंधित रखते हैं। ओके, और बीजेपी ने आपके 57 सीटें जीती थी 2017 में, जो आपके विधानसभा चुनाव हुए थे। बीजेपी ने 57 सीटें जीती थी, 11 सीटें जीती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, और 2 जीती थी आपकी अदर ने। ओके, तो आयो ये चीजें याद रखिएगा। उत्तराखंड में एक आपका जोड़ मेला, एक आपका जोड़ मेला है, तो इसको संपन्न किया गया है। ओके, जोड़ मेला को एक तरीके से क्या किया, संपन्न किया गया है। ये एक मेला है, और ये कहां पर एक तरीके से मनाया गया, या आपका चंपावत में मनाया गया, रीठा साहिब के पास। ओके, अब यहां पर चंपावत की बात आई गई है, तो चंपावत जो है ये जिला कब बना था आपको पता होना चाहिए। तो 1997 में जो आपका क्या है, चंपावत जिला बना था। तो आप जानते हैं कि 1997 में आपके 3 जो जिले हैं वो बने थे। अब यह 3 जिले कौन से थे आपको पता होना चाहिए। ये आपका एक था आपका रुद्रप्रयाग, दूसरा था आपका चंपावत, और तीसरा था आपका बागेश्वर। बागेश्वर का अगर हेडक्वार्टर आता है तो ये बागेश्वर में पड़ता है, चंपावत का हेडक्वार्टर आता है चंपावत में, रुद्रप्रयाग का हेडक्वार्टर आता है तो रुद्रप्रयाग में। 1997 में आपके 3 जो जिले 3 जिले बने हैं, आप जानते हैं रुद्रप्रयाग, चंपावत एंड बागेश्वर। ओके, काफी बार एग्जाम में ये चीज आ चुका है, तो इसको विशेष तरीके से आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में चर्चा में रहा आपका उत्तराखंड स्वच्छ सर्वेक्षण। ओके, मतलब यह है कि उत्तराखंड का स्थान जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 की जो रिपोर्ट है उसमें क्या रहा, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, ये काफी टाइम से चर्चा में आया है, 2-3 महीने ही चर्चा में रहा है, तो जिस चर्चा का जो उत्तराखंड विषय, ठीक है, विषय रहा है उसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। 3 नगर पंचायत को आपका स्वच्छ घोषित किया गया है। तो 3 नगर पंचायतें कौन सी हैं आपकी? अगस्तमुनि है, काशीपुरा, भटवाड़ी है। ये काफी इंपॉर्टेंट है भटवाड़ी, और इसी के साथ है एक आपका मोरी ब्लॉक, बहुत बार आ चुका है। भटवाड़ी और मोरी कहाँ से संबंधित रखते हैं, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल एक तरीके से याद कर लीजिए। काफी एग्जामों में, अगर आपने यूबीटीआर के ग्रुप सी के एग्जाम दिए होंगे तो उसमें काफी बार ये चीज पूछ रखा है। और खटीमा, खटीमा के बारे में भी काफी पूछता है कि खटीमा कहाँ है, तो उधम सिंह नगर में खटीमा है। सर्वेक्षण में उत्तराखंड को आपका 19वां स्थान मिला है। पूरे भारत में जो आपका स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 की रिपोर्ट आई है उसमें उत्तराखंड को 19वां स्थान प्राप्त हुआ है। पूरे भारत में उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ गंगा शहर की बात करेगा उत्तराखंड में, तो आप किसके बारे में बात करेंगे, गौचर के बारे में बात करेंगे। इसको 70वीं रैंक प्राप्त हुई थी। उत्तराखंड में सबसे गंदा शहर तो नहीं बोलेंगे, परंतु आखिरी जो रैंकिंग मिली है उत्तराखंड में वो रुद्रपुर को मिली है, आपका 403 रैंकिंग मिली है। उत्तराखंड में 7 जो आपकी छावनी कैंट है उसमें जो सबसे स्वच्छ पाई गई है अल्मोड़ा। ओके, तो अल्मोड़ा पाई गई है। तो और यह अगर भारत की बात करेगा तो भारत की में ये क्या है आपका, दिल्ली आएगा। बात करते हैं अल्मोड़ा, अल्मोड़ा का जो जिला बना था वो बना था 1891 में, और अगर इसकी हेडक्वार्टर मुख्यालय की बात करेगा तो अल्मोड़ा में ही पड़ता है, प्रॉपर अल्मोड़ा। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। उत्तराखंड में जो आपका
स्वच्छ नगर पालिका कौन सी थी? बागेश्वर नगर पालिका थी। बागेश्वर का स्टेबलाइज कब हुआ है? तो 1997 में, जैसा पहले बता चुके हैं, हेडक्वार्टर इसका बागेश्वर में ही है। उत्तराखंड का जो गंदा नगर पुलिस पालिका है वो कौन सा है? वह है आपकी चंपावत। चंपावत भी आपका 1997 में बना था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? चंपावत में ही है। उत्तराखंड के जो आपके तीन स्थान टॉप 100 में रहे हैं वो कौन कौन से रहे हैं? गौचर रहा है, अगस्त मुनि रहा है, मुनिकीरति रहा है। ठीक है ना, तो चलिए आगे बात करते हैं। कुछ समय बाद उत्तराखंड क्या करेगा? राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। ओके, राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। तो ये कब मेजबानी करेगा? तो 2021 में मेजबानी करेगा। ओके, उत्तराखंड में आपका 10% आरक्षण लाभ अभी हाल ही में उत्तराखंड में चल रहा था, तो काफी ये चर्चा का विषय बना है अभी इस मंथ में। तो ये स्टेबलाइज हुआ है आपका 5 मंथ को, सॉरी 5 फरवरी को। ओके, ये अगर स्टेबलाइज की बात की जाएगा, मतलब इसका एक तरीके से जो लाभ अभ्यर्थियों को देने लगा है, तो 15 फरवरी 2019 से एक तरीके से इसने अपना क्या है, ठीक है, रख दिया गया है कि इसकी स्थापना हुई है। और उत्तराखंड देश का दूसरा पहला राज्य बना है, ठीक है, जो दूसरा राज्य बना है वो कौन है आपका? उत्तराखंड है। और जो पहला राज्य है EWS, आपने सुना होगा, जो आपका क्या होगा, ओके, जो वीकर, इकोनॉमिकल वीकर जो स्टूडेंट रहेंगे उनको 10% का आरक्षण मिलेगा। इसका 10% का आरक्षण का मतलब है 10% इनके लिए अलग से क्या हो जाएगी, सीट हो जाएगी। ओके, और पहला राज्य कौन था? गुजरात था, जिसने आपका 10% आर्थिक आरक्षण लाभ को मंजूरी दी है। और उत्तराखंड आपका दूसरा राज्य है जिसने आपका 5 फरवरी 2019 से 10% आर्थिक आरक्षण लाभ देने की घोषणा करी है। उत्तराखंड में एक ट्यूलिप गार्डन है और ये काफी फेमस आया है। ये कहाँ बनने वाला है? तो ये है आपका मडगांव पिथौरागढ़ में बनेगा। और बात की जाए तो ये कितना मीटर ऊंचाई पे है, 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई पे है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, पिथौरागढ़ आ चुका है। तो बात करते हैं पिथौरागढ़ की। पिथौरागढ़ की जो जिले की स्थापना हुई है 1960 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर आपका प्रॉपर पिथौरागढ़ में ही पड़ता है, ठीक है, और 50 हेक्टेयर में बनेगा पिथौरागढ़ में, और 50 करोड़ की लागत से ही बनेगा। उत्तराखंड का अभी हाल ही में जो विकास दर चल रहा है वो है आपका 7.3 चल रहा है, और यह हो घटता बढ़ता रहता है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं आपका उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय अभी हाल ही में कैलकुलेट की गई थी, तो कितना है? 1,90,000 के आसपास चल रही है। अभी उत्तराखंड में आप जानते हैं आपका ऑल वेदर रोड सड़कों का निर्माण चल रहा है। इसका लक्ष्य कब रखा गया है? देखिए, इसका जो लक्ष्य रखा गया है 2020 तक रखा गया है, परंतु 2020 तक ये हो, शायद दिसंबर 2020 तक ये संभव ना हो पाए। तो आप जानते हैं निशंक, तो निशंक के द्वारा आपका ये दिसंबर 2021 तक के लक्ष्य को बढ़ा दिया गया है कि इस टाइम तक ये जो ऑल वेदर रोड है ये क्या होनी चाहिए, लक्ष्य को प्राप्त करनी चाहिए। राज्य में एक कत्यूरी शासन काल की एक मूर्ति मिली है, ये कहाँ मिली है? ये मिली है दबका जो नदी क्षेत्र है, जो दबका नदी क्षेत्र है बाजपुर में, ये आपकी वहां मिली है, ठीक है। बाजपुर, बाजपुर कहाँ पड़ता है? उधम सिंह नगर में आपका बाजपुर पड़ता है, ठीक है। तो आयो की चीज आपको समझ में आ गई होगी। और एक काफी बार आ चुका है खाटीमा, ये खाटीमा कहाँ पड़ता है? तो उधम सिंह नगर में पड़ता है। नानक मत्ता, ये भी पूछ लिया जाता है क्योंकि आपका जो, ठीक है, ST की सीट है, एक नानक मत्ता में है और एक आपकी जौनसार में है। जौनसार पड़ता है देहरादून में, और जो आपका नानक मत्ता है वो उधम सिंह नगर में पड़ता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। और यह मूर्ति आपकी 9वीं शताब्दी की मूर्ति है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान जो नीति योजना है तो ये लागू हुई है, और इसमें आपको जो किसान है उनको आपके 6,000 रुपये की सहायता मिलेगी साल में, मतलब ईयरली में आपके 6,000 रुपये की सहायता मिलेगी। और अगर बात की जाएगी 2,000 रुपये, तो आप देख लीजिए 4 माह में मिलेंगे। ओके, 4 × 3 = 12 होता है, समझ 6,000। ओके, तो 2,000 माह में मिलेगा। इस योजना की कुल सहायता इतनी है, और किसान की एक तरीके से ये देने के लिए यह है ताकि किसानों को एक तरीके से लाभ हो। ओके, और लाभ होने के साथ साथ जो किसान की आय दुगना करना है। देखिए, अगर क्वेश्चन ये बहुत बार, अगर कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें ये पूछ सकता है कि जो किसान आय है उसे दुगना करने का कितना लक्ष्य रखा गया है, तो 2022 से आपका 23, ठीक है, इसमें आपका क्या है, किसान की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा है। उसी में काफी एक तरीके से प्रधानमंत्री की जो किसान योजना है, खाद्यान्न योजना है,
प्रधानमंत्री किसान योजना, प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना, प्रधानमंत्री बीज उर्वरक योजना, इस टाइप की जितनी भी योजना चल रही है उनका एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से जो आपके क्या है किसान ठीक है भाई हैं उनकी एक तरीके से क्या करना है, आय को दुगना करना है। कम से कम आपकी जो आय होनी चाहिए 2.52 या फिर आपका 3.5 तक पहुंचना चाहिए। तो चलिए आगे बात करते हैं। मुख्यमंत्री शहरी आंचल योजना भी हाल ही में एक तरीके से क्या है काफी ठीक है चर्चा का विषय रही है। यह वैसे 7 मार्च 2019 को देहरादून में लॉन्च किया गया था और यह भी हाल ही चर्चा में रही है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। देहरादून जैसा यहाँ पर आ गया है तो ध्यान रखिएगा 1870 में इसकी स्थापना हुई है। अगर हेडक्वार्टर की बात करेगा तो हेडक्वार्टर इसका देहरादून ही पड़ता है। देहरादून में एक जगह पड़ती है काफी फेमस है, रोबर्स कैप, ओके, और मसूरी भी आसपास ही है काफी, वो भी फेमस है, ठीक है, तो उसका विशेष ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में लक्ष्य रखा गया बच्चों को सप्ताह में 2 बार 100 ml मिल्क उपलब्ध करवाना और 2 लाख बच्चों को ये प्रोवाइड करवाया जाएगा इस योजना के तहत, जो आपकी क्या है शहरी आंचल अमृत योजना है। अभी हाल ही में एक चर्चा का विषय बनी है आपका सैव दून ऐप, ओके, इसमें एक तरीके से क्या किया जाएगा जो बचाव ऑपरेशन है, ओके, जैसे आपका आपदा से ग्रस्त कोई अगर क्षेत्र है तो डायरेक्ट एक तरीके से इसमें आपके अधिकारियों के फोन नंबर होंगे और उनसे मदद हो पाएगी या फिर वो मदद करेंगे या आप उनसे मदद मांग सकते हैं इस ऐप के द्वारा। इसका जो नियंत्रण किया जाएगा वो देहरादून से किया जाएगा, ठीक है, यह अभी हाल ही में यह ऐप बनने की संभावना है, तो यह हाल ही में चर्चा का विषय रही कि ऐसा कुछ ऐप आपका लॉन्च होने वाला है। अगले मंथ तक आपको पता चल जाएगा कि यह ऐप लॉन्च हुई है कि नहीं हुई है, परंतु सैव दून ऐप का इसका नियंत्रण देहरादून से होगा, तो इसका विशेष ध्यान रखेगा। तो अब यहाँ पर कुछ बचाव ऑपरेशंस याद आ रहे हैं कि कुछ बचाव ऑपरेशन उत्तराखंड में हुए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। देखिए एक ऑपरेशन है आपका एल्यूमिनेट, ऑपरेशन एल्यूमिनेट, ऑपरेशन एल्यूमिनेट, देखिए आपसे वही डिस्कस किया जाता है जो आपका एग्जाम पर्पज से या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एक है आपका ऑपरेशन एल्यूमिनेट बावरिया, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, ये बाघ से संबंधित है, ये उत्तराखंड में चलाया गया था, बाघ संबंधित ये क्या है आपका ऑपरेशन है, और ये कहाँ चलाया गया था, कॉर्बेट नेशनल पार्क में ये आपका चलाया गया था। कॉर्बेट नेशनल पार्क आप जानते हैं कब बना है, ओके। इसके बाद एक ऑपरेशन है आपका सूर्य होप, ऑपरेशन सूर्य होप, ये किसके द्वारा चलाया गया था, ये NDRF के द्वारा चलाया गया था, NDRF और ITBP के द्वारा चलाया गया था। इसकी डेट आपसे पूछ सकता है, ओके, क्योंकि ये NDRF और ITBP के द्वारा चलाया गया था, तो ये आपका 19 जून 2013 को ये आपका चलाया गया था। तो ये किस लिए चलाया गया था, जैसे ये बाघ के लिए चलाया गया था, तो ये चलाया गया था आपदा पीड़ितों के लिए, ठीक है, आपदा पीड़ितों के लिए, ठीक है। इसके बाद एक और ऑपरेशन है जो काफी इंपॉर्टेंट रहा है आपका राज्य के अंदर, ओके, तो ऑपरेशन स्माइल, ठीक है, ऑपरेशन स्माइल, ये आपका राज्य पुलिस के द्वारा चलाया गया था, बच्चों की जो गुमशुदा बच्चे होते हैं तो बच्चों के लिए चलाया गया था ये ऑपरेशन स्माइल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इसी तरीके से बने रही है एजिटूड एजुकेशन के साथ, और मोर अपडेट मोर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, ओके, तो आप देख रहे होंगे हमारी जो करंट अफेयर है उसके साथ आपको धीरे धीरे जो इंडिया है आपका, ओके, इंडिया के बारे में आपको काफी जानकारी मिल रही होगी और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपको मिल रही होगी जो उत्तराखंड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से बने रहिए, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, आप जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।